Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. All of you know that we have completed chapter number 12. In this video, we shall start a new chapter, chapter number 13. The name of the chapter is Living and Non-Living Things. So, by the name only you can guess ki this chapter is about living and non-living things. So, I will give you an idea ki living things kya hoti hai aur non-living things kya hoti hai. So, let's start the chapter. We see many things around us. These things are created by men or by nature. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं. इनमें से कुछ ऐसी हैं जो मैन ने बनाई हैं, हम इंसानों ने बनाई हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नेचर ने गिफ्ट की है, जो कि हमें प्रकृति ने दी है. सो जब हम इन सारी चीजों को आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि द सम थिंग्स आर मैन मेड एंड सम थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स. मैन मेड आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन ओनली, जो हम इंसानों ने बनाई है, और नेचुरल थिंग्स वो हैं जो नेचर ने हमें गिफ्ट की है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैन मेड का ले तो कार, टेबल, बेंचेस, फैंस, ब्लैक बोर्ड्स, ये सब चीजें मैन ने बनाई है. एंड हम ये चीज नोटिस करते हैं, द थिंग्स विच आर मैन मेड, जो चीजें इंसानों ने बनाई है, दे आर ऑल नॉन लिविंग थिंग. उनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, कोई जान नहीं होती है. सो दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. जो भी चीजें मैन ने क्रिएट की है, इंसानों ने बनाई है, दे हैव नो लाइफ. उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती है. दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. ऑन द अदर हैंड, जो नेचुरल चीजें होती हैं, जो नेचर ने बनाई है, जो प्रकृति ने बनाई है, उनमें से कुछ चीजें लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो देर आर प्लांट्स, देर आर एनिमल्स, ह्यूमंस आर ऑल्सो देर. ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स. वी हैव अ लाइफ. हम सबके अंदर जान है, जीवन है. सो वी ऑल आर लिविंग थिंग्स. ऑन द अदर हैंड, नेचर ने हमें और क्या क्या गिफ्ट किया है. सॉइल, इट हैज ऑल्सो गिवन अस. सन इज ऑल्सो देयर, वॉटर इज ऑल्सो देयर, फॉरेस्ट इज देयर, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. So, like sun, soil, water, these things do not have life. Rocks, पत्थर जो हैं, पहाड़ जो हैं, all these things are natural. Nature से हमें मिली है. And all these things are not having life. इनमें life नहीं है. So, जब हम man-made देखते हैं, वो सब non-living होती है. But, जो natural things है, जो चीजें nature ने हमें दी है, उनमें से कुछ living है और कुछ नॉन लिविंग है. सो इन दिस चैप्टर हमें कुछ फीचर्स के बारे में बताया है जो कि लिविंग थिंग को अलग करते हैं नॉन लिविंग थिंग से. कुछ ऐसे फीचर्स जो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं है. तो जब हम इन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, सो आफ्टर दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट. हम देख के बता सकते हैं कि दिस थिंग इज लिविंग एंड दिस थिंग इज नॉन लिविंग. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस द फीचर्स कि लिविंग थिंग्स में कौन से होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में कौन से नहीं होते. सो द फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें फ्रॉग में, तो जो फ्रॉग है वो भी ब्रीथ करता है अपनी मॉइस्ट स्किन, जो उसकी स्किन होती है, और उसमें लंग्स भी होते हैं, तो अपनी लंग्स और अपनी स्किन से वो ब्रीथ करता है. जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास नॉस्ट्रिल्स हैं, हम उससे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं. बट जो इंसेक्ट्स हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है. दे हैव एयर होल्स. होल्स का मतलब है छोटे छोटे पोर्स, छेद. सो ऑन देयर बॉडी दे आर एयर होल्स, जिससे वो ब्रीद करते हैं. नेक्स्ट इज फिश. फिश इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो ब्रीद करती है गिल्स. गिल्स होती है उनकी बॉडी में, और जिससे वो सांस लेती हैं. नेक्स्ट इज प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, उन पे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, पोर्स, छेद होते हैं, उसमें से वो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमंस. हम ह्यूमंस जो हैं, अपने लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उनसे सांस लेते हैं. सो द फर्स्ट फीचर इज दैट ऑल द लिविंग थिंग्स,
जितनी भी लिविंग थिंग्स है जिनके अंदर लाइफ होती है वो सब सांस लेती हैं, ब्रीद करती हैं, और उनकी ब्रीदिंग के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। किसी में उनकी स्किन से वो ब्रीद करते हैं, किसी में वो गिल से कर रहे हैं, कहीं पे वो स्टोमेटा से कर रहे हैं, कहीं पे वो लंग्स से कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जबकि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो बिल्कुल भी ब्रीद नहीं करती। सो पहला फीचर क्या हुआ, दैट लिविंग थिंग्स ब्रीद एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद। द सेकेंड इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, उनको अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है अपना काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, और वो जो ताकत है वो उन्हें मिलती है फूड से। जब वो खाना खाते हैं तो उससे ही उन्हें एनर्जी मिलती है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एज इन वो कुक कर सकते हैं, और अपना खाना बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं, जो भी सामान वो यूज करते हैं, या तो प्लांट से मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, जो मसाले हैं वो, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि उन्हें एनिमल से मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, घी, ये सारी चीजें उन्हें एनिमल से मिल रही है। अब हम देखें एनिमल्स को, तो एनिमल्स अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है, वो कुक तो नहीं करते, जो चीजें वो खा सकते हैं, जो उनके सामने आती हैं और जो ईटेबल्स हैं उनको वो खा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो गॉट है वो ग्रीन लीव्स पे फीड करती है, अगर हम टाइगर का एग्जाम्पल ले तो वो और दूसरे एनिमल्स पे फीड करता है। और जो नेक्स्ट है वो है प्लांट्स। प्लांट्स का आपको पता है, मैंने आपको लास्ट जब हम वाटर वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो प्रोसेस यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मतलब टू मेक, प्रिपेयर करना। तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। और इस प्रोसेस को जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन तीनों चीजों को यूज करके वो अपना खाना बना रही हैं। सो जितनी भी लिविंग थिंग्स है लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, उनको खाने की जरूरत होती है, बट लिविंग थिंग्स को किसी भी टाइप के फूड की जरूरत होती ही नहीं है। सो लिविंग थिंग्स नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर एनी food. So in this video we will discuss only two points. The rest of the features we will discuss in next video. But उससे पहले हम क्या करते हैं, एक quick recap कर लेते हैं कि हमने इस video में क्या क्या discuss किया. We discuss about the man-made things, कि कुछ जितनी भी man-made things होती है वो non-living होती है. We discussed about natural things, कि natural things में कुछ लिविंग भी होती है, कुछ नॉन लिविंग भी होती है. Then we discussed about two features which help us to differentiate between living and non-living things, जिसने हमें help की ताकि हम पता कर सके कौन सी चीज living है और कौन सी non-living है। तो दो points आपको पता लगे हैं कि living things, जिन भी things को food की जरूरत होगी और जो breathe करेंगे वो living, और जो ये नहीं कर रहे हैं वो non-living thing. So the rest of the features we will discuss in next video. I hope these topics are clear to you. आप खुद से read करोगे. In case you face any problem, you can drop me a message or you can call me anytime. Thank you.